हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, आज जुमा का दिन है और कल शाम 5 बजे से यहाँ लाइट नहीं है और पूरी रात निकल गई। पूरा अब सुबह भी इतना टाइम हो गया लेकिन लाइट नहीं आई है। और लाइट के बिना आप जानते हैं कितनी दिक्कत हो जाती है। पानी नहीं, लाइट के बिना कुछ भी, कोई भी काम नहीं। फ्रिज फ्रिज बंद हो रहा है बिल्कुल। इसका सारा सामान निकाल के मैंने फ्रिज का बाहर रखा है, ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में अंदर से तो बाहर ही सही है क्योंकि ठंड है बाहर, तो अभी इतनी दिक्कत भी नहीं है। अगर गर्मी होती तब तक तो बहुत सारा सामान खराब हो जाता। तो पूरे घर में अंधेरा, काम भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जो थोड़ा बहुत पानी मैंने स्टोर करके रखा था, उससे मैंने थोड़ा बहुत घर का काम कर दिया। हर छोटे थोड़ा सा पानी लेके पोछा लगा दिया, क्योंकि पोछा नहीं लगता है तो फिर गंदा, पैर से गंदा लगता है, तो इस वजह से मैंने पोछा भी लगा दिया। यहाँ पे खिड़की है तो इससे रोशनी आ जाती है, जैसे कि देखिए अब धूप की रोशनी आ रही है, तो इस वाले रूम में थोड़ा उजाला हो जाता है। किचन की भी ना मैंने ये वाली खिड़की खोली है, इसकी वजह से बाहर से रोशनी आ रही है, उजाला आ गया। और देखो मेरे साथ पानी ना आने की वजह से ना सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये बर्तन तो जब ही साफ होंगे जब लाइट आएगी। बाकी मैं ये यहाँ से भी ये मग्घे में पानी मैंने भर के रखा हुआ, इससे कपड़े से मैं साफ करूँगी। और देखो ये वाले रूम में तो बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा, ये बाहर से जो किचन से रोशनी जा रही है उसकी वजह से थोड़ा सा उजाला, वरना पूरे में अंधेरा होगा लाइट ना आने। और हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया है। पानी मैंने कहाँ स्टोर करके रखा है, वॉशिंग मशीन में पानी भर लिया है। मेरे पास बाल्टी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने एक टप में पानी बाथरूम में भर लिया था और ये वॉशिंग मशीन में भर लिया। इसी से लेके मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। अब जब पानी बचा हुआ है ना, मैं सबसे पहले इसमें नहा लेती हूँ। पानी थोड़ा सा गर्म करूँगी गैस पर, उसमें मिला के नहा लूँगी मैं। ये नहाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए देखिए मैं नहा चुकी हूँ। और मैंने लाइट नहीं आने का आपको रीज़न नहीं बताया था। कल ट्रांसफार्मर में ना आग लग गई थी, तो इस वजह से लाइट नहीं आई। अब लाइट वाले आएंगे, ठीक करेंगे, तब लाइट आएंगे। तो देखिए आज जुमा है, तो जैसे मैंने बताया बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे स्कूल से, 1 बजे ही आ जाएंगे। जुमा के दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो ठीक है फिर अब नमाज वगैरह पढ़ेंगे हम। टाइम 11 बज चुके हैं, तो रान चला गया है नमाज़ पढ़ने, और मैं भी अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ। लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है, 2 बज रहे हैं। लाइट को पता नहीं क्या हो गया, लाइट आई नहीं है अभी तक। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो गाइस मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, अब मम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, ये देखिए। तो गाइस देखिए अब भी आ चुके हैं स्कूल से, बिल्कुल अभी आई है। मैं पहले आ गया था स्कूल से, ये इसका फिजिकल कुछ चल रहा है ना, तो ये अभी आई है स्कूल से। मम्मी नमाज़ पढ़ के उठ चुकी है, अब हम यहाँ नीचे जाके खाना खाएंगे। तो देखिए मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब खाते हैं खाना। और खाना ना आज हमने बाहर से मंगाया, जैसे आपको पता ही है लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं है, तो बर्तन वगैरह कुछ नहीं है बनाने के लिए, तो मैंने ना बाहर से ही खाना मंगाया। आपको दिखा, ये देखिए बाहर से आई है आज बिरयानी। अंधेरा हो रहा है, रियान ने ना लाइट जला के दिखा रहा है। रियान ये देखो बच्चे कैसे पागलपंती कर रहे हैं, थोड़ी देर भी लेट ना दे रहे हैं कंबल में। एक ये इधर आएगा और एक ये इधर आएगा। मेरे तो लेट नहीं चिपक जा मेरे पास, एक इधर एक इधर। चलो थोड़ी देर लेटते हैं। तो जी लाइट आ चुकी है, पूरे 24 घंटे में लाइट आई है और अभी आई है थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले, पूरे 24 घंटे में लाइट आई है। अब हम लग जाते हैं अपने काम पे। देखो बर्तन सुबह के ही पड़े हुए हैं, और ये बर्तन ये बर्तन ये बर्तन धो के सानिया मैं बनाऊंगी खाना। सब्जी लेके आई हूँ बाजार से और मैं बनाऊंगी हरी प्याज, और लेके आई हूँ मैं कांसी फल और एक पालक। 3 सब्जी लेके आई हूँ, पालक और एक कांसी फल और हरी प्याज, और मैं बनाऊंगी हरी प्याज आलू डाल के। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। तो अब मैं लग गई हूँ अपना खाना बनाने के लिए। हरी प्याज मैंने अच्छे से साफ करके इन्हें धो लिया है, पहले धो के मैं इसे अच्छे से साफ करने के बाद में मैंने इन्हें काट लिया है, दो
दो तीन आलू काट लिए। आलू और हरी प्याज बनानी है ना, तो देखिए मैं काट के अब मैंने बना लेती हूँ। इसमें बनाना क्या है कि ये सारी ये प्याज तो है ही, प्याज तो इसमें डालनी नहीं है, तो मैंने पहले बस जीरा डालने के बाद में ये प्याज डाल दूँगी। तो इन्हें ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेना, मतलब ऐसे हल्का हल्का सा थोड़ी देर चला कर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। आलू ऐड करने के बाद में बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। प्याज है ना, तो ये हरी प्याज है, वैसे भी ये पानी छोड़ देती हैं, तो बस थोड़ा सा ही डाल भी दो, वरना नहीं डालो, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं हल्का सा डाल दूँगी पानी इसमें, तो बस सारे मसाले डालने के बाद में मैं कुकर का ढक्कन बंद करके रख दूँगी। तब तक मेरी सब्ज़ी वही तैयार होगी, तब तक मैं एक आटा बना लूँगी। तो जैसे कि आपने देखा ही था सुबह से, आज लाइट का कितना वो दिक्कत हो रही थी, सुबह से ही लाइट, सुबह से पूरी रात निकल गई, शाम 5 बजे से पूरी रात, सुबह 24 घंटे में ही लाइट आई थी। मतलब तो लाइट के बिना कुछ भी काम होता नहीं है। लाइट एक ऐसी चीज़ है कि जब लाइट नहीं होती पूरा दिन मतलब ऐसे निकल गया जैसे तनिक क्या चीज़ घर में नहीं है पानी के बिना। और खाना भी दोपहर मैंने बनाया ही नहीं था, बाहर से ही मंगाया था। और इतने सारे सारा काम, पानी अगर पता नहीं चलता कि ऐसा हो गया है तो पानी भी नहीं भर के रखते, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। पता चल गया था कि ट्रांसफार्मर में कुछ हो गया, तो पानी वगैरह भर के रख लिया था, तो इसलिए कुछ काम भी हो गया। तो जब शाम का टाइम हो गया तो मैंने खाना तो बनाना ही था, मैं बाज़ार गई, वहाँ से 2-3 सब्ज़ी लेके आई थी। तो ये मैंने सब्ज़ी हरी प्याज ही बनाई है। तो मैं आटा वाटा गूंद के मैंने रख दिया है। तब तक सानिया ने बीच में बर्तन धो दिए थे, बहुत सारे बर्तन थे, और मैं करती तो फिर लेट हो जाता शाम में। तो इस सानिया कहने लगी, मम्मी मैं बर्तन धो दूँगी। ठीक है चल तू बर्तन धो दे। तो देखिए इसने बर्तन साफ़ कर दिए और मैंने ये बर्तन लगा दिए हैं आटा गूंदने के बाद में। सानिया अपनी पढ़ाई करने चली गई थी, तो बस जब तक सब्ज़ी मेरी बनेगी तब तक मैं रोटी बना। तो देखिए मैं अब रोटी बनाने लग गई हूँ। जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तो आप देख रहे होंगे इसके पापा मेरे साथ में बराबर में ही लग रहे हैं। वो क्या हो रहा था ना, सिंक में जो बर्तन धोते हैं ना, तो उसकी रबड़ शायद ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से जब मैं बर्तन धोती थी या आरओ का पानी वगैरह चलता था तो सारा पानी नीचे सिंक से नीचे आता था पैरों में, वहाँ नीचे पानी भर जाता था, बहुत गंदा लगता था। तो इसके पापा को टाइम नहीं मिल रहा था, वो अभी ड्यूटी से आए शाम में, तो मैं 2-3 दिन से बोल रही थी उन्हें कि ये पानी ऐसा बाहर निकल रहा है, तो इसमें से बोले करूँगा, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। तो अभी आज 9 बजे ही आ गए थे जल्दी, तो कहने लगे आज मैं कर देता हूँ। तो ये उसी में मेरे बराबर में उसी में लग रहे हैं ये, वो करने के लिए मैं साथ साथ मेरे से बात भी कर रहे थे और उस काम में भी कर रहे थे। ये घर में कोई भी काम ऐसा ख़राब हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन इनका ये है कि मेरे घर में कोई भी काम ख़राब नहीं होता। जो भी कभी थोड़ा बहुत काम ख़राब हो जाता है घर का, कोई लाइट का हो, कोई टूट फूट या कुछ मतलब घर में हो जाता है, वो सारा काम ये सही कर देते हैं। तो देखिए जी बस अब ये वो कर देंगे नीचे से इसका सिंक का काम, मैं खाना बना दूंगी। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आप लास्ट में देखेंगे जो मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, तो उसकी क्लिक मैंने बाद में डाल दी। आप देखना कितनी तेज़ और कितनी ज़्यादा उसमें आग लगी, इसी की वजह से इतना लाइट आने में इतना टाइम लगा था। तो जी ठीक है, अब खाना वाना भी हम खा लेंगे थोड़ा सा। चलिए फिर अब अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आप ये देखिए कितनी तेज़ आग लगी हुई है ट्रांसफार्मर में।